दोस्तों, कल रात जब मैं सो रही थी तो अचानक मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा फ्रिज ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई है। मैं बहुत डर गई, पर मैं धीरे से फ्रिज के पास गई और भगवान का नाम लेते हुए उसे खोला और मेरी नींद खुल गई। ये एक सपना था। मैं समझ गई कि सोने के पहले मैंने जो मूवी देखी थी ये उसी का असर है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। मैंने कल रात कोल्ड केस नाम की एक मूवी देखी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मूवी अमेज़न प्राइम पर मलयालम में रिलीज़ हुई है। अगर आपको मलयालम नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंग्लिश सबटाइटल में मूवी देख सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं तनु बालक। मूवी में लीड रोल में हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और आदिति बालन। ये एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है। इसमें दो कहानियाँ एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जिसमें एक कहानी में पुलिस एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी कहानी एक हॉरर स्टोरी है। पहले तो ये समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों स्टोरीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है इन दोनों स्टोरीज़ का कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। आइए पहले स्टोरी जान लेते हैं। मैं इस बार थोड़ा डिटेल में स्टोरी बताऊँगी क्योंकि यहाँ दो स्टोरीज हैं, इसलिए दोनों स्टोरीज़ को एक एक करके सुनाऊंगी। स्टोरी शुरू होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां मेधा पद्मजा नाम की एक औरत जो एक टीवी चैनल में रिपोर्टर है, उसे आत्मा की गोस्ट स्टोरीज इस तरह की स्टोरीज पर काम करने को दिया जाता है। मेधा अपने पति से अलग हो चुकी है। उसका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। उसकी एक 5 या 6 साल की बेटी है चुन्नू। मेधा अपनी बेटी चुन्नू और अपनी नौकरानी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। उस घर में उसे किसी और के होने का एहसास होता है। उसके किचन में एक रेड कलर का फ्रिज है जिसके डोर पर मेधा की बेटी अपनी डॉल को हैंग कर देती है। मेधा को फील होता है कि जो भी उसके घर में है उसका कोई कनेक्शन इस फ्रिज से तो है। मेधा अपने ऑफिस के एक कलीग को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जो उसे एक लेडी के पास ले जाता है। ये लेडी आत्माओं से बातें करती है। मेधा उस लेडी को अपने घर बुलाती है। रात के 3 बजे वो लेडी, जिसका नाम ज़ारा है, वो और उसके असिस्टेंट पूरा सेटअप अरेंज करते हैं और फिर ज़ारा उस आत्मा से बात करती है। एक काला साया फ्रिज से बाहर आता है। ज़ारा के पूछने पर वो साया अपना नाम लिखकर बताती है। उस आत्मा का नाम ईवा मारिया है। वो आत्मा मेधा की हेल्प चाहती है। ईवा मारिया की मौत कैसे हुई ये एक मिस्ट्री है। ईवा की आत्मा चाहती है कि मेधा उसकी मौत का सच दुनिया को बताए और ईवा को इंसाफ दिलवाए। ये सब सुनकर पहले तो मेधा बहुत परेशान हो जाती है। उसकी छोटी बच्ची भी उसके साथ रहती है, पर मेधा ईवा की आत्मा की हेल्प करने का डिसीजन लेती है। वो ईवा की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि मेधा की एक म्यूचुअल फ्रेंड हारिथा, जो कि एक लॉयर है, वो ईवा की भी फ्रेंड थी। मेधा अपनी फ्रेंड हारिथा से पूछती है तो उसे पता चलता है कि ईवा मारिया का डिवोर्स केस हारिथा को ही मिला था। हारिथा ने ईवा को डिवोर्स दिलवाया था। दरअसल जिस टीवी चैनल में मेधा काम करती है उसी के बॉस का पति ही ईवा मारिया का एक्स हस्बैंड था। ईवा मारिया से वो कॉलेज में मिला था। दोनों ने लव मैरिज कर लिया था। ईवा के फादर ने उसे काफ़ी सारा गोल्ड और पैसा दिया था और अपने विल में भी सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दी थी। ईवा के पति ने कुछ काम शुरू करने के बहाने ईवा का सारा पैसा और गोल्ड ले लिया था। उसके बाद वो उसी टीवी चैनल में काम करने लगा जहां मेधा काम करती थी। मेधा की बॉस ज्योति दर्शन देव से इम्प्रेस हो गई। दर्शन देव ने मेधा को डिवोर्स दिया, ईवा को डिवोर्स दिया और ज्योति से शादी कर ली। मेधा की लॉयर दोस्त हारिथा ने मेधा को डिवोर्स भी दिलवाया और उसके गहने और पैसे भी, जो कि उसके एक्स हस्बैंड ने उससे ले लिया था। फिर मेधा ईवा जहां काम करती थी वहां पर भी पूछताछ के लिए गई। ईवा डिवोर्स के बाद जिस हॉस्टल में रहती थी वहां भी मेधा ने पूछताछ किया। मेधा ईवा मारिया के फादर के घर भी गई, जहाँ उसे पता चला कि ईवा के फादर की डेथ हो चुकी है और वो सारी प्रॉपर्टी ईवा को दे गए थे। ईवा ने सारी प्रॉपर्टी बेच भी दी थी। मेधा इसी तरह इन्फॉर्मेशन जमा करके एक फाइल में रखती जा रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा था। ये थी फर्स्ट स्टोरी। चलिए अब सुनते हैं सेकंड स्टोरी।
स्टोरी शुरू होती है केरल के बैक वाटर के खूबसूरत से लोकेशन से, जहां एक मछुआरे को एक ह्यूमन स्कल मिलता है। वहां पुलिस मीडिया सब पहुंच जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से एसीपी सत्यजीत को इस केस का चार्ज दिया जाता है। वो अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। स्कल को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि ये एक 25 से 30 साल की उम्र की लड़की का स्कल है, जिसकी मौत सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच हुई है। उन्हें ये भी पता चलता है कि इस लड़की ने अपना एक दांत ट्रांसप्लांट करवाया था। आगे एसीपी को डॉक्टर बताते हैं कि ये दांत काफ़ी एक्सपेंसिव है, कुछ जगहों पर ही मिलता है। वहाँ से आपको पता चल सकता है कि 2019 में किसने इससे ख़रीदा था। एसीपी उन लड़कियों की लिस्ट निकालते हैं जिन्होंने 2019 में टूथ ट्रांसप्लांट करवाया था। एसीपी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम ईवा मारिया था। ईवा की फ़ोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया से पता चलता है कि ईवा ने लास्ट पोस्ट 12 अप्रैल 2020 को किया था, जबकि उसकी मौत सितंबर 2019 में हो चुकी थी। उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन भी वाराणसी अप्रैल 2020 का दिखा रहा है। एसीपी सत्यजीत को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ईवा का एक्स हस्बैंड दर्शन देव है। वो उससे पूछताछ करने जाता है। ईवा के रिलेटिव से भी पूछताछ होती है। ईवा शादी के बाद दर्शन देव के साथ जहाँ रहती थी, उस घर के ओनर से पता चलता है कि यहाँ से जाने के बाद ईवा वुमेन हॉस्टल में रहने चली गई थी। एक दिन ट्रैफिक पर उन्होंने ईवा को एक शॉर्ट हेयर लड़की के साथ कार में देखा था। एसीपी ईवा मारिया के हॉस्टल जाता है, जहाँ पता चलता है कि ईवा अचानक अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई थी। हॉस्टल की वार्डन ने उसे कॉल किया, पर उसने रिप्लाई नहीं किया। जब वार्डन ने मैसेज किया तो ईवा का रिप्लाई आया। उसने लिखा था कि मैं बाहर हूँ, मेरी फ्रेंड आकर मेरा सामान ले लेगी। ये दिसंबर 2019 की बात है। एसीपी सत्यजीत को एक फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि अक्टूबर 2019 में 60 किलोमीटर दूर एक औरत का कटा हाथ मिला था। एसीपी उस हाथ के डीएनए रिपोर्ट से स्कल के डीएनए को मैच करने को कहते हैं। दोनों डीएनए मैच हो जाता है। वो एक ही लड़की का डीएनए होता है, जिसका नाम ईवा मारिया है। एसीपी ईवा के सोशल मीडिया को फिर से चेक करता है। लास्ट पोस्ट वाराणसी की 12 अप्रैल 2020 की है। वो कहता है कि कोविड के कारण केरल से जो लोग वाराणसी गए थे वहीं फंस गए थे, जिस वजह से केरल सरकार ने उनके लिए बस भेजी थी। ये बस 13 अप्रैल को वाराणसी से केरल के लोगों को लेकर निकली थी। उस बस की लिस्ट में ईवा मारिया का नाम भी था। उसी लिस्ट में एसीपी सत्यजीत के एक अंकल का नाम भी था। एसीपी उनसे मिलता है। अंकल बताते हैं कि ईवा मारिया जिंदा है, अभी जल्दी ही मैं उससे मिला था, पर कहां और कब ये उन्हें याद नहीं है। एसीपी उन्हें कहता है कि कुछ याद आए तो फ़ोन करना। इधर एसीपी को एक और रिपोर्ट मिलती है। उसी कटे हुए हाथ में कुछ बाल फंसे हुए थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये किसी शॉर्ट हेयर लेडी के बाल हैं, ये ईवा के नहीं हैं, किसी और औरत के बाल हैं। एसीपी समझ जाता है कि एक शॉर्ट हेयर वाली औरत ने ही ईवा का मर्डर किया है, जो ईवा बनकर 6 महीने तक रही और फिर उसने ईवा का फ़ोन वाराणसी में ही फेंक दिया। एसीपी को ईवा की हॉस्टल की वार्डन का फ़ोन आता है। वो बताती है कि एक औरत भी ईवा के बारे में पूछताछ करने यहाँ पर आई थी। आगे वो बताती है कि वो औरत टीवी पर आती है, वार्डन मेधा की बात कर रही होती है। एसीपी और मेधा की कहानियाँ यहाँ पर एक हो जाती हैं। एसीपी मेधा से मिलते हैं। मेधा उन्हें सब कुछ बताती है, पर एसीपी को आत्मा वाली कहानी पर विश्वास नहीं होता है। वो मेधा को बोलता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन हो तुम्हारे पास तो मुझसे शेयर करना। मेधा उससे बताती है कि ईवा मारिया की जो लॉयर थी, जिसने उसका डिवोर्स करवाया था, वो मेधा की अच्छी दोस्त है। एसीपी उसे हार्थिया से मीटिंग फिक्स करने का कहता है। तभी एसीपी के अंकल का फ़ोन आता है। वो कुछ ऐसा बताता है कि एसीपी जान जाता है कि मर्डर किसने किया है। वो अपनी टीम को उसे अरेस्ट करने को कहता है। इधर जब मेधा एसीपी के साथ होती है, तब उसके घर में कोई चुपके से घुसता है। चुपके से वो किचन की तरफ जाता है। तभी फ्रिज से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज ब्लास्ट हो जाता है। ईवा मारिया की आत्मा ने पुलिस के आने के पहले ही अपना बदला ले लिया। ईवा का मर्डरर कौन है ये छोड़कर आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईवा का मर्डर किसने किया है। मैं बताऊंगी आप सही हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं इस मूवी के गुड पॉइंट्स की। कास्ट,
एसीपी सत्यजीत का रोल प्ले किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने। इस रोल में बिल्कुल फिट लगते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि एसीपी की पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे हीरो भाई की तरह नहीं, जो पुलिस वाले कम और नौटंकी वाले ज़्यादा लगते हैं। इशारा किसकी तरफ है आप समझ ही गए होंगे। दूसरी स्टोरी का लीड रोल प्ले किया है अदिति बालन ने, जो कि मेधावनी है। इनका काम भी काबिले तारीफ है। बैकग्राउंड स्कोर, इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। हॉरर सीन्स में तो सीन्स से ज़्यादा इफेक्टिव बैकग्राउंड स्कोर है। पूरी मूवी में बहुत अच्छी तरीके से इसे यूज़ किया गया है। सिनेमेटोग्राफी, केरल की खूबसूरत लोकेशन, बैक वाटर, नेचर, ग्रीनरी आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। सिनेमेटोग्राफी 10/10 है इस मूवी की। डायरेक्शन, तनु बालक इस मूवी के डायरेक्टर है, जिनकी मेहनत हमें साफ साफ दिखाई देती है। सबकी एक्टिंग हो, हॉरर सीन्स हो या मर्डर वाले सीन, सब बखूबी फिल्माए गए हैं। कैमरा वर्क, इस मूवी का कैमरा वर्क भी लाजवाब है। केरल के खूबसूरत सीन्स को फिल्माने का तरीका शानदार है। ड्रोन शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। बैड पॉइंट्स, सच बोलूँ तो मुझे ऐसी कोई कमी नज़र ही नहीं आई, पर हाँ, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी वाला हीरो लिया, उससे थोड़ा एक्शन सीन्स करवाना चाहिए था। मूवी में एक भी एक्शन सीन नहीं है। बताओ, हमारे हीरो भाई पहले ही सीन में खिड़की तोड़ के घुस जाते हैं, ये थोड़ी कमी लगी, बस बाकी तो मूवी बहुत अच्छी है। ज़रूर देखें, पर जिनको डर लगता है वो मेरी स्टोरी से ही संतोष करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ईवा का मर्डर किसने किया है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।